नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भारत लाइव। एक ओर जहां पूरा देश कोरोना महामारी जैसी जानलेवा बीमारी से लोग परेशान है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सुविधाओं का घोर अभाव है, जिससे आए दिन रोजाना इलाज के अभाव में कोरोना मरीजों की मौत का सिलसिला जारी है। वहीं बगहा अनुमंडल क्षेत्र के ठकराहा प्रखंड में कोरोना के दूसरे लहर के कारण ठकराहा क्षेत्र में लगातार हो रही मौतों से लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। पिछले 3 दिनों में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कोई कोरोना से मरा है तो कोई बुखार से पीड़ित होकर जिंदगी से जंग हार गया है। ठकराहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार की समुचित व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर भी उपचार करने से डर रहे हैं, क्योंकि CHC में करीब आधा दर्जन कर्मियों के कोरोना संक्रमण के मामले आ जाने से दहशत का माहौल बना है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों का अचानक ऑक्सीजन लेवल गिरने से उनकी संवेदनशील स्थिति देखकर ठकराहा के डॉक्टरों द्वारा बाहर ले जाने के लिए रेफर कर दिया जा रहा है, क्योंकि अस्पताल में न तो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था है और न ही बेहतर उपचार की सुविधा है। बता दें कि ठकराहा CHC में ऑक्सीजन के 5 सिलेंडर में से 3 सिलेंडर अनुमंडल के लिए मंगवा लिया गया है। ऑक्सीजन मात्र 2 सिलेंडर लेवल रूम के लिए सुरक्षित है। डॉक्टर परवेज आलम ने बताया कि एम्बुलेंस की व्यवस्था केवल प्रसूति महिलाओं के लिए है। ऐसे में एम्बुलेंस में COVID-19 के लक्षण वाले मरीजों को बगहा, बेतिया या फिर रेफर वाले अस्पताल में ले जाने की कोई सुविधा या अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि COVID-19 के लक्षण वाले मरीजों के लिए ठकराहा में एम्बुलेंस की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी का रविवार को आदेश प्राप्त हुआ है। आपका क्या नाम हुआ सर? मैं डॉक्टर आलम, PhD कर रहा हूँ। 2 सिलेंडर छोड़ के बाकी सिलेंडर बगहा मंगा लिया गया, और 2 सिलेंडर सिर्फ वो लेबर में गर्भवती की महिलाएं जो आती है, इमरजेंसी कुछ वैसा आ जाता है उनके लिए हमारे पास है भरा हुआ, ठीक है। और उसके अलावा जो है, जो कोविड से रिलेटेड लक्षण जिनमें होगा उनके लिए प्राइवेट एम्बुलेंस रखने का आदेश आज प्राप्त हुआ है SDM साहब से। उसके लिए हमारे जो हेल्थ मैनेजर है वो एम्बुलेंस का व्यवस्था किया जा रहा है, जो उसके ऑक्सीजन लगा होगा और वो कोविड वाले लक्षण जो होंगे उनको लेके बढ़ा जाएगा। सर दवा के लिए सर? दवा सब सारी दवाइयाँ तो नहीं है, लेकिन कोरोना का जो किट होता है जिसमें 5 दवाइयाँ दी जाती है, वो किट हमारे पास मौजूद है।